Hello friends, good morning. Myself, Deepak Patel. Today we will learn about Standard 5, Chapter 1, page number 14 and 15 on discuss category. So, page number 14 पे जो second paragraph था वो हमारा बाकी था वो हम solve कर रहे हैं. Flow number, let's first calculate for the 6 kg fresh fish. तो अगर हम fresh fish की अगर price है 15 rupees per kg और उसको अगर हम dry करते हैं it becomes When it said, it is 70 rupees per kg. Okay? हमने इससे पहले हमने देखा था when fresh fish is dried, it becomes 1/3 of its weight. तो उसका weight 1/3 हो जाता है. Okay? So let's first calculate for the 6 kg. So we dry 6 kg fresh fish to get 9 kg dry fish. तो अगर 6 kg है, तो 6 kg का क्या होगा? 6 का 1/3, 3 × 1 = 2. So it becomes 2 kg. Dried fish, okay? Now, for 6 kg fresh fish, we have to pay 6 into blank rupees per fresh fish ki kya price hai? 50 rupees. That is rupees 15, okay? So, 15 6 na, it will become 90 rupees. Jab wo fresh fish ko agar purchase karte hai, they have to pay 90 rupees. We will sell 2 kg dried fish. Toh, 6 kg dried fish kitne ho jayegi? 2 kg. तो जब 2 के जी ड्राई फिश सेल करेंगे तो क्या होगा 2 इनटू ड्राई फिश का कितना है 70 रुपीस दैट इज रुपीस 70 तो 72 का दैट इज 140 रुपीस उनको मिलेंगे ओके सो इफ वी ड्राई 6 के जी फ्रेश फिश वी विल अर्न जब अगर वो 6 के जी फ्रेश फिश लेके उसको ड्राई करते हैं और फिर सेल करते हैं तो उनको कितना मिलेगा 140 minus 90 तो 140 minus 90 then will become rupees 50 तो every 6 kg fresh fish पे उनको 50 rupees का profit होता है but if we dry 6000 kg जब हमने first calculate किया 6 kg अगर 6000 kg का करेंगे तो क्या होगा we will earn rupees 6 kg का 50 है तो 50 into 1000 so that will become total 50,000 profit they will and if they dry 6,000 fresh fish okay but उसके साथ साथ next page page number 50 की अगर हम बात करें The group can make profit and each woman can get a salary for the work she does. तो अब उन्होंने जो मिंकर बैंक थी उनसे पैसे लिए और ये किया ये पूरा ड्राई फिश का उन्होंने प्लांट बनाया अब उसमें से जो भी वर्क वुमेन करेगी उनको वो सैलरी उसमें से पे करेगी बट उसके साथ साथ सिर्फ ड्राई करना और प्रॉफिट लेना ही नहीं है उसके साथ उसका कॉस्टिंग भी होता है तो वो कॉस्ट भी हमें प्रॉफिट में से डिडक्ट करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा तो क्या होता है कॉस्ट वो हम देखेंगे झांसी सिंह आई फाउंड दैट फॉर 6000 केजी फिश वी वुड नीड 1500 केजी सॉल्ट एवरी मंथ क्या क्या चाहिए हमको दे नीड 1500 केजी सॉल्ट ओके एवरी मंथ एंड इट्स प्राइस इज 2 रुपीस पर केजी इसका कॉस्ट कितना है That is 2 rupees per kg. Okay? तो इसकी सबसे इसका cost क्या होगा? तो हम monthly cost क्या लेंगे उनको? So monthly cost में first है, सबसे पहले salt का उनका cost है, fish को dry करने के लिए salt की जरूरत पड़ती है. Okay? So total monthly कितना चाहिए? 1500 kg multiply by 2 rupees per kg है तो multiply by 2 rupees so 50 rupees are that will become 30 and 20 that is 3000 rupees they have to pay for 1500 kg salt second cost उनका है packing क्योंकि dry होने के बाद उसको pack करना पड़ेगा then they are able to sell तो packing and bus charge
ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगेगा, सो दैट इज 3000 रुपीज वन मोर। ओके सो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट दैट इज 3000 प्लस 3000 इट विल बिकम रुपीज 6000 दे हैव टू पे। नाउ हाउ मच प्रॉफिट दे हैव अर्न, दे हैव अर्न रुपीज 50,000 बाय सेलिंग 6000 फ्रेश फिश को ड्राई करके जब वो सेल करेंगे तो 50,000 रुपीज मिलेंगे माइनस कॉस्ट दैट इज रुपीज 6000। ये सब कॉस्ट निकालने के बाद दे आर दे विल फाइनली दे अर्न रुपीज हियर यू विल 10,400 दैट इज 44 रुपीज दे विल अर्न फाइनली आफ्टर सेलिंग 6000 केजी फ्रेश फिश को ड्राई करके जब वो सेल करेंगे तो उनको मिलेगा 44,000 रुपीज। ओके सो इस तरह से हमने इस चैप्टर में देखा किस तरह से हमें कैलकुलेशन करना है, एडिशन करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। ओके नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न फ्रॉम द चैप्टर 2। ओके थैंक यू।